नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई की मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में फसलों के क्या कुछ दाम रहे। तो शुरुआत हम करेंगे लखनऊ की मंडी के साथ, जहां पर चावल के दाम 2540 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 2180 रुपए रहे और गेहूं के दाम 2130 रुपए रहे। फरुखाबाद की मंडी में चावल के दाम 2400, पीली मक्का के दाम 2125 और गेहूं के दाम 2160 रुपए रहे। तो वहीं इटावा की मंडी में चावल प्रथम श्रेणी के दाम 7850 रुपए, चावल तृतीय श्रेणी के दाम 2385 रुपए और बाजरा संकर के दाम 2370 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 2080 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2125 रुपए रहे और जौ के दाम 2150 रुपए रहे। तो वहीं आजमगढ़ की मंडी की बात करें तो यहां पर चावल के दाम 2665 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2150 रुपए रहे और जौ के दाम 2660 रुपए रहे। गाजीपुर की मंडी में चावल द्वितीय श्रेणी के दाम 3850, चावल तृतीय श्रेणी के दाम 2580, गेहूं के दाम 2130 और जौ के दाम 2540 रुपए रहे। जौनपुर की मंडी में चावल तृतीय श्रेणी के दाम 2650, पीली मक्का के दाम 2270 और गेहूं के दाम 2150 रुपए रहे। बहराइच की मंडी में धान के दाम 1840 रुपए रहे और चावल तृतीय श्रेणी के दाम 2530 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 2200 रुपए रहे और गेहूं के दाम 2150 रुपए रहे। अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर की मंडी की, जहां पर चावल के दाम 2970, गेहूं के दाम 2150 और जौ के दाम 2100 रुपए रहे। दलहन फसलों की बात करें तो बुलंदशहर की मंडी में छोटे चने के दाम 5855, मसूर दाल के दाम 9070, हरी काली उड़द के दाम 9315, हरी मूंग दाल के दाम 9240, चने की दाल के दाम 6455 और अरहर दाल के दाम 10255 रुपए रहे। झांसी की मंडी में हरी मूंग के दाम 7295, छोटे चने के दाम 4950, मसूर दाल के दाम 7800, काली उड़द के दाम 6285, हरी मूंग दाल के दाम 9200, चने की दाल के दाम 6200 और सफेद मटर के दाम 4180 रुपए रहे। प्रयागराज की मंडी में छोटे चने के दाम 5340 रुपए रहे, मसूर छोटे दाने के भाव 6500, काली उड़द के दाम 7050 रुपए रहे और चने की दाल के दाम 6050 रुपए रहे, सफेद मटर के दाम 5325 और अरहर दाल के दाम 6800 रुपए रहे। वहीं अब बात कर लेते हैं तिलहन फसलों की, तो बिजनौर की मंडी में काली सरसों के दाम 5460 रुपए रहे, वाराणसी की मंडी में छोटी मूंगफली के दाम 7550, काली सरसों के दाम 5480, सरसों तेल के दाम 14000, अलसी छोटे दाने के भाव 5235 और सफेद तिल के दाम 12700 रुपए रहे। ललितपुर की मंडी की बात करें तो यहां पर काली सरसों के दाम 6000 रुपए के आसपास रहे, लखीमपुर की मंडी में काली सरसों के दाम 5460 रुपए रहे, इसके अलावा सरसों तेल के दाम 14460 और सरसों खली के दाम 2240 रुपए रहे। लखनऊ की मंडी में काली सरसों के दाम 5480 रुपए रहे और सरसों तेल के दाम 15000 रुपए रहे। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का उत्तर प्रदेश का मंडी भाव अपडेट। कृषि से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।